नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश जी हाँ दोस्तों आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल में कौन सी चीज़ें होती जिसको सेव नहीं करना है तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें रेड कलर का बटन है उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें में एक बाज है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्या आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं देख रहे हैं दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें तो ऐसी कौन सी छह चीज़ें होती हैं दोस्तों जो अपने फ़ोन में सेव नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों ज़रूर ध्यान से सुनिएगा आप मोबाइल हर वक्त साथ रहता है तो हम इसे पर्सनल डेली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और हम इस बात से आश्वस्त होते हैं कि हमारी जानकारी इसमें सुरक्षित है लेकिन आपको बता दूं कि मोबाइल में अपनी बैंक डिटेल्स रखना बेहद जोखिम भरा होता है तो अगर आपने भी अपने बैंक से संबंधित जानकारी मोबाइल से कर रखी है तो उन्हें हटा दें इसी में आपकी भलाई है जी हाँ दोस्तों बैंक से संबंधित जानकारी को मोबाइल से हटा दें दूसरा है एटीएम पिन कई लोग को पासवर्ड संभालने में काफ़ी समस्या आती है इसलिए वो अपने फ़ोन में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के साथ पिन सेव कर लेते हैं जिन्हें कोई भी आसानी से आपके फ़ोन से चोरी कर सकता है बहुत आसानी से कोई भी निकाल सकता है जैसे फ़ोन में एटीएम लिखेंगे फट से आ जाएगा आपका या पासबुक की फ़ोटो जी हाँ दोस्तों तीसरी चीज़ क्या है जिसको सेव नहीं करना है ये गलती हर कोई करता है जो ये कि अपने पासबुक और अकाउंट की जानकारी की तस्वीर खींच के फोन में सेव करके रख लेता है अगर ये जानकारी आपने भी सेव कर रखी है तो खुद लूटने का मौका दे रहे हैं मोबाइल से ऑनलाइन बैंकिंग की डिटेल हटाते रहे आजकल कई मोबाइल एप्लीकेशन आपको बैंक डिटेल्स या कार्ड डिटेल सेव करने के ऑप्शन देते हैं जिससे आप समय बचा सकते हैं पर यह गलती आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है तो कभी भी किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में अपनी बैंक डिटेल सेव ना करें सभी लोग को मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि मोबाइल में जो है इस तरह की जो है आ, बहुत सी सीक्रेट जानकारी ना लिखें ना उसमें रखें तुरंत उसे हटा दें क्योंकि कभी भी आपका मोबाइल अगर चोरी हो जाए या गिर जाए किसी के हाथ में लग जाए या रिपेयर करने के लिए आपने किसी को दिया पता चला उसने ही निकाल लिया और बाद उसका जो वो दुरुपयोग करने लगे पांचवा व्हाट्सएप जी हाँ दोस्तों व्हाट्सएप का इस्तेमाल इन दिनों हर मोबाइल उपभोक्ता करता है लगभग लग सभी लोग करते हैं पर इस पर अपनी निजी जानकारी शेयर करना भी भारी पड़ सकता है क्योंकि यहाँ से जानकारियाँ लीक करना बहुत आसान होता है पांचवा है पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल जहाँ दोस्तों आप अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड की जानकारी या फ़ोन सेवा मत कीजिए अगर आप इन चीज़ों की फोटो लेते हैं तो इसका उपयोग गलत स्थान पर किया जा सकता है तो इन छः बातों को अपने फ़ोन से डिलीट कर दीजिए जो मैंने आपको बताया कर्मशा बिल्कुल ना रखें दोस्तों मोबाइल ऐसी चीज़ है कभी भी चोरी हो जाता है आप कभी जा रहे हैं चलते चलते कोई मोबाइल खींच के भाग जाए क्या करोगे किधर भागोगे सारी डिटेल्स होती है उसमें तो सारे जितने भी श्रोतागण हैं उन सब से निवेदन है कि अपने फ़ोन में ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना रखें जो कोई और इसका इस्तेमाल करके आपको नुकसान पहुंचा सके तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की मदद दीजिए नमस्कार जय हिंद